संसद में एक सांसद हैं जो जेल होके आ चुके हैं पॉलिटिकल वजहों से, उन्होंने कुछ पोस्ट लिखे थे उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। वो सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के गोखले। उन्होंने संसद में कहा है कि लगभग 74% जो मुजरिम हैं, जिनको जमानत न मिलने की वजह से जेल में हैं, वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मतलब मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं और एससी एसटी ओबीसी हैं, 74% लोग। और उसी देश में कानून मंत्री ने संसद में कहा है कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत की कोर्ट में, 5 करोड़ केस पेंडिंग है और भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले भारत के जजों को छुट्टियां मिलती है। और आपको बता दूं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही जजों की भर्ती, उसके लिए कोई परीक्षा नहीं होता है, जजों का जो कोलेजियम है वो परीक्षा में भर्ती करते हैं। इस पर भी बात करेंगे। राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाएंगे जिस पर कोहराम मचा हुआ है, जो संसद में घुसपैठ की कोशिश हुई, जो लोग पकड़े गए हैं उस पर राहुल गांधी ने कहा कि घुसपैठ तो हुई है ये सच है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो बड़ा मुद्दा है, इसको लोग इसको लेकर कोहराम मचा हुआ है। उस पर भी बात करेंगे कि आप लोग की क्या राय है। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले बात इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल और फिलिस्तीन में यह साफ हो गया है कि इजराइल सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है और अब यमन सीधे सीधे इस युद्ध में कूद गया है और इजराइल के पेट पर लात भी लगने लगा है। सोचिए, जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था और पिछले 75 सालों से वो फिलिस्तीन पर लगातार हमले करता था, निर्दोष फिलिस्तीनियों को कब्जे में कर लेना, जेल में डाल देना, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को, उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के एक एक पानी के जहाज को निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल आने वाले जहाज को निशाना बनाया जा रहा है। और लाल सागर में यमन के लड़ाके जो हुथी जिनको कहते हैं, उसने इजराइल को घुटनों पर ला दिया और उसके पेट पर लात पड़ रहा है। इजराइल के लोग के एक भागते हुए वीडियो जारी हुए हैं। सोचिए, हिजबुल्ला हमास के मिसाइल और उसके पास अब रॉकेट लॉन्चर भी है, रॉकेट भी है, उसके हमले से आम इजरायली भाग रहे हैं। और सोचिए, एक संपन्न देश इजरायल अब घुटनों पर आ गया है और उसकी हार नजदीक आ रही है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर, कि यमन के लड़ाके युद्ध के मैदान में है और गुरिल्ला युद्ध में सबसे ज्यादा इजरायल के सैनिक मारे जा रहे हैं। लगभग दर्जन भर टैंक रोज उड़ाए जा रहे हैं, दर्जनों उसके फौज मारे जा रहे हैं। तो 75 सालों में इजराइल के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। इसका मतलब है कि इस युद्ध में इजराइल पूरी तरह से अब कमजोर पड़ गया है और इसकी वजह है कि पहली बार खाड़ी देश एकजुट है अन्याय के खिलाफ, इजराइल की डिक्टेटरशिप के खिलाफ। पहली बार दुनिया के 153 देश इजराइल के खिलाफ है। पहली बार फिलिस्तीन हमास, जिसको मलबे में तब्दील कर दिया गया, वो एकजुट है और अब उनके पास हथियारों की सप्लाई भी है और इसराइल अपने मुश्किल वक्त में है। तो सोचिए, हिटलर के बाद दुनिया के एक तानाशाह जो युद्ध में जिसने अपने देश को धकेल दिया है और 20,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका, उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और दुनिया उसके, मैं नहीं, 153 देश उसके खिलाफ वोट कर चुका है। खुद भारत सरकार भी 2-3 बार यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के खिलाफ वोट कर चुका है। बस भारत के कुछ भक्त हैं जिनको ये युद्ध पसंद है, जिनको फिलिस्तीनियों की हत्या है, क्योंकि उनके दिमाग में धर्म नाम से जो अफीम चटाया गया है कि तुम अच्छे हो और बाकी खराब हैं, उसमें वो फंसे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। तो इजराइल अपने बादशाहत के अंतिम दिनों में है, फिलिस्तीन अपनी आजादी के आसपास है और पूरी दुनिया इस युद्ध को ध्यान से देख रही है और एक एक देश जो है फिलिस्तीन की मदद कर रहा है। और इजराइल का इकलौता मतलब मददगार अमेरिका, वो भी पीछे हट चुका है। तो ये बड़ी खबर है। अब राहुल गांधी के जिस बयान को लेकर कोहराम मचा हुआ है वो देखिए। और महंगाई आगे में सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या सुरक्षा ब्रीच हुई है बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। तो ब्रिक्स जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है,
और महंगाई है। ये वो बयान है जिसको लेकर हमलावर है बीजेपी और कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उनका पक्ष ले रही है, जबकि राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा। बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर, जो समाज सड़कों पर नहीं निकलता है, डेमोक्रेटिक राइट से अपने लोगों को अवेयर नहीं करता है, उस समाज को हक नहीं मिलता है। ये है अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान खतरे में डालकर जाति जनगणना मंडल यात्रा निकाल रहे हैं। उनका ये वीडियो सुनियो। आज हम लोग जब पढ़ने लगे हैं तब ये लोग हमारे लोगों को पढ़ाने नहीं देते हैं, और इसका ताजा उदाहरण हमारे वैचारिक मित्र और बड़े भाई आपके आजमगढ़ के ही डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाल करके दिया गया है कि नहीं। पहले ये पढ़ने नहीं देते थे, तो लड़ाई करके लड़ भर करके जैसे तैसे हम जब पढ़ने पहुंच गए तो अब ये हमारे लोगों को पढ़ाने नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और बगैर सबके सहयोग के इस लड़ाई को जीता जाना संभव नहीं है। हमें हर एक जगह होगा जहां अन्याय होगा, चाहे यादव की लड़ाई इंडिविजुअल लगती हो पर वो इंडिविजुअल नहीं है, वो समाज से जुड़ी है। तो चाहे लक्ष्मण यादव का इंडिविजुअल लड़ाई का सवाल हो, मैं वहां खड़ा होना पड़ेगा, चाहे सामूहिक लड़ाई जाति जनगणना का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, हमें वहां सबको संचित होकर के खड़ा होना होगा, और वहां संचित होकर के खड़े होने से पहले। तो ये अनिरुद्ध मंडल हैं जो लगातार जाति जनगणना को लेकर और बहुजन समाज के हक अधिकार को लेकर जागरूक हैं। आप लोगों से गुजारिश है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये कहाँ हैं, लेकिन इनकी जहाँ भी हैं मदद कीजिए। आपके समाज में अगर ऐसे आंदोलनकारी नहीं रहें, समाज सुधारक नहीं रहें, तो आपकी राजनीतिक जड़ें तब तक मजबूत नहीं होंगी जब तक सामाजिक जड़ें मजबूत ना हो। कायदे से तो आपके समाज के नेताओं को निकलना चाहिए था, लेकिन उनके पास सोचिए, कांग्रेस 10 साल 60 साल राज करने वाली कांग्रेस चंदा मांग रही है। 10 साल हुए बीजेपी को आए हुए, तो आज के डेट में सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, फिर कांग्रेस। सोचिए सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम डीएमके जैसी पार्टियां कहां से पैसा लाएगी। इसलिए जब बहुजन नेताओं को कोई भ्रष्ट और बेईमान कहे तो उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। और सोचिए, अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 80,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 61 लाख मामले देश की 25 हाईकोर्ट में पेंडिंग है। आप सोचिए इस देश के जुडिशियल सिस्टम में कैसे बहुजन समाज फंसा हुआ है, और 74% कैदी जो हैं वो SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के हैं। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि इसके लिए जातिवाद जिम्मेदार है, और जजों की भर्ती के लिए कोर्ट कचहरी एग्जाम होना चाहिए। और ये देखिए, सुनिए जेल में क्या स्थिति है, सुनिए। लॉयर फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। थैंक यू सर। आई स्टैंड टुडे एज एन MP speaking for under trial prisoners in India in this august house, thanks to my leaders Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee and my party. Main aapko last ka suna deta hu. For petty offenses, there was a guy in my barrack, he was in jail for 2 years because he stole a 30 rupee. Aur uske baad unka mic band kar diya gaya, suniye. To sochiye, ye jaisi ye video play hoga main aapko sunaunga, is desh ke jailon mein kaun log jail mein band hai wo suniye. Facility of lunch is served. जैसे उन्होंने SC ST OBC कहा, उनका स्पीकर एक बार फिर से सुनिए। तो सोचिए, ये स्थिति है कि जज जो हैं इस देश में, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, लोअर कोर्ट में जज हैं, वो सवर्ण हैं, और कैदी जो है वो गैर सवर्ण है। तो सोचिए उनको कैसे न्याय मिलेगा। और दिलीप मंडल ने लिखा है कि सड़क पर किनारे जलेबी और पोहे, कटे फल और गन्ने रस पर मधुमक्खियां भिनभिनाना हाइजेनिक है, स्वास्थ्यवर्धक है। दुकान में खुले रखे गुड़ पर मक्खी बैठना भी ठीक है। एक ही तेल में नया तेल मिलाकर 7वीं बार समोसा तलना लाभदायक है। नाले के पानी में सब्जियां धोकर बेचना लाभदायक है, पर मध्य प्रदेश की नई सरकार के अनुसार सड़क किनारे अंडा बेचना अनहाइजेनिक है, अस्वस्थकर है। ये कारक लाखों, ये करके लाखों लोग बेरोजगार किए जाएंगे। सरकार अलग से मांस मछली के सुंदर साफ स्टॉल बनाए। अंडा तो हर जगह बिकना चाहिए, उस पर तो मक्खी भी नहीं बैठ सकती है। तो सोचिए, उन तमाम प्रोफेशन को उन लोगों के पेट पर लात मारा जाएगा जो दलित पिछड़े आदिवासी बहुजन समाज के लोग करते हैं। और ये भी एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, आपको इस लायक बना दिया जाएगा कि 5 किलो राशन पर जिंदा रहिए।
ना आप खाएंगे ना आप सोचेंगे। और इस देश के माननीय कानून मंत्री हैं जो काम करने वाले जज नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, ना निकम्मे जजों को हटा पा रहे हैं। आप लोग जज नियुक्ति कानून NJC को दोबारा लाइए, जजों की नियुक्ति परीक्षा के जरिए कीजिए। राष्ट्रपति कह चुकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सबसे बड़ी हार का करेक्ट कीजिए। भारत की जनता जजों से बहुत परेशान है, राष्ट्रपति जी कह चुके हैं कि लोगों के बर्तन और घर बिक जाते हैं कोर्ट के चक्कर में, जज करप्ट हैं, अय्याशी के आरोप लगे हैं उन पर, भाई भतीजावाद करते हैं कोलेजियम में, सोचिए। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है, ये कानून मंत्री कह रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ये देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ये वो तस्वीरें हैं जहां इसराइल के टैंकों को और इसराइल के पानी के जहाजों को सीधे सीधे आग के हवाले किया जा रहा है, बड़ी खबर है। और एक जाति गैर इंटरकास्ट मैरिज का नतीजा देखिए, छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा की भतीजी का वीडियो वायरल हो रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे चाचा से खतरा है, सुनिए। अपने निर्णय मैं अपनी मर्जी से ले सकती हूँ, शासन प्रशासन और एवं मेरे परिवारजनों से निवेदन है कि मुझे तंग ना करें, मुझे चैन से रहने दें और खुद भी चैन से रहे। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूं जीवन भर और मैं अपने घर वापस जाना नहीं चाहती, धन्यवाद। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं और उसको ठीक करने की जरूरत है। कब तक आप जाति के नाम पर अपने ही लोग की हत्या करते रहेंगे। वही EVM को लेकर लगातार आंदोलन जो है जारी है और आज दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई है और 4 बड़े राज्यों में बाम सेफ का 24 से 28 तक, आप अगर इस शहर के हों तो जरूर जाइए, बहुजन समाज से हैं तो खासकर नागपुर में, प्रयागराज में, दिल्ली के अंबेडकर भवन में और बल्सार में बामसेफ की बड़ी बैठक है। राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल होता है इनका 4 दिनों का, 24, 25, 26, 27, 28 तक के बामसेफ का अधिवेशन है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं, जहां EVM को लेकर बड़ा मुद्दा रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर 2024 में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है तो EVM से चुनाव नहीं होगा उसके बाद। तो सोचिए, ये पहली बार है जब कोई ये कह रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे तो EVM बैन करेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के लिए 2024 का चुनाव EVM जिसमें एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।